जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, खास टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक के बारे में पहले ही बताना चाहूँगा, टॉपिक है हमारा मिस इंडिया। यहाँ से करंट से क्वेश्चन बनेंगे सभी एग्ज़ामों के लिए। तो हम देखेंगे मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के बारे में, मिस वर्ल्ड और साथ में देखेंगे मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स ये तीन जो है हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। करंट में मिस इंडिया जो है भारत की कौन बनी है, मिस वर्ल्ड कौन बनी है और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2019, 2020, 2021, अभी दो तीन साल का ही पूछा जाएगा कि वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है, 2020 की कौन है, 2021 की कौन है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कवर हो जाए यहाँ पे और हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मिस वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड इसमें बहुत सी गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट करती है मिस वर्ल्ड में, और मिस वर्ल्ड में पूरी दुनिया की गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, देखा जाता है इसमें उनका टैलेंट देखा जाता है, इनमें देखा जाता है टैलेंट के साथ साथ ब्यूटी देखा जाता है, ब्यूटिशियन कितनी सुंदर है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं मिस वर्ल्ड में। तो वर्तमान में हम देखते हैं मिस वर्ल्ड पूरी दुनिया की कौन है। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि ये मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है 1952 से होती है, 1952 से इसकी शुरुआत होती है, ये याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। सॉरी, मिस वर्ल्ड जो हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड, तो 1951 याद रखना है, 1951 से मिस वर्ल्ड की शुरुआत होती है। किसके प्रयास से मिस वर्ल्ड का आयोजन होता है, तो उसका नाम याद रखना है एरिक मोरले जो है ये व्यक्ति हैं, इनके प्रयास से हर साल जो है इन्होंने शुरुआत की है मिस वर्ल्ड की, तो इनके प्रयास से इसकी शुरुआत होती है। एरिक मोरले का नाम रखना है, याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है, पहली बार फर्स्ट 1951 में ही फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो उनका नाम याद रखना है फिकी हॉकिंसन का नाम याद रखना है, ये 1951 में पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। वैसे तो पूछा नहीं जाता पहली, प्रेजेंट के ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फिर भी याद रखना है फर्स्ट हमारी पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, फिकी हॉकिंसन थी, 1951 में ये बनी थी। और ये कहाँ की थी, स्वीडन की थी, ये स्वीडन देश, यूरोप महाद्वीप में देश पड़ता है स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ से ये बनी थी। अब हम बात करते हैं करंट की हम बात करें तो करंट में 2019 और 2020 का देखना ज़रूरी है, 2019 और 2020 का देखना ज़रूरी है। 2021 में अभी तक कोई मिस वर्ल्ड नहीं बनी है, 2021 तक अभी तक मिस वर्ल्ड नहीं बनी है। तो 2019 की हम बात करें तो 2019 में याद रखना है टोनी एनसी, अभी कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है टोनी एनसी का नाम याद रखना है, ये 2019 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और ये कहाँ की है, रिलेटेड देश भी याद रखना है, जमैका, तो टोनी एनसी जमैका की है, इतनी चीज़ें याद रखना है। दूसरी चीज़ 2020 में कोविड 19 की वजह से ये हुआ नहीं है, तो 2020 में कोई मिस वर्ल्ड नहीं रही है। 2019 का बस याद रखना है, अभी हमारे करंट जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए टोनी एनसी जो कहाँ की है, जमैका की है। जमैका देश यदि हम देखते हैं तो जमैका वही देश है जहाँ का हुसैन बोल्ट है, और दोनों अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में छोटा सा देश पड़ता है, वहाँ से ये हैं टोनी एनसी। 2021 अभी बनी नहीं है, 2021 में यदि कोई मिस वर्ल्ड बनती है तो उसके लिए मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, उसे ऐड कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट क्वेश्चन,
कि अभी तक भारत में जो है कितनी इंडियन मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इंडियन मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इंडियन कितनी इंडियन फीमेल जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी महिला जो है मिस वर्ल्ड रही है, कौन सी नहीं रही है, इस तरह से पूछा जाता है चार ऑप्शन में। तो ये सभी के सभी नामों को याद रखना है और एक ट्रिक है उसकी सहायता से याद रखना है। तो ट्रिक ये याद रखना है कि रेडी रेडी PM याद रखना है, रेडी PM, रेडी RADY PM ये याद रखना है, इसे आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स में बाद में बताऊंगा, मिस वर्ल्ड। तो याद रखना है 1966, 1966 में बनी थी। दूसरी की हम बात करें तो ए से ऐश्वर्या राय आ जाएगा, ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड रही हैं। इसके बाद डायना हेडन का नाम याद रखना है डी से। डायना हेडन जो है, डायना हेडन और युक्ता मुखी, तो डायना हेडन 1997, 1997, और वाई से आ जाएगा युक्ता मुखी, युक्ता मुखी ये 1999 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। इसके बाद पी से याद रखना है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ये भी 2000 सन पूरे पूरे 2000 में ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। और एम से याद रखना है मानुषी चिल्लर, मानुषी चिल्लर फ्रॉम हरियाणा, ये कहाँ से हैं, हरियाणा से। तो 2017 की हमारी मिस वर्ल्ड ये रही थी। तो हमने देखा कि जितनी भी इंडियन मिस वर्ल्ड रही हैं उनको एक ट्रिक से रेडी PM लिखा। रीता फारिया 66 में, सन भी पूछा जाता है, पहला नाम तो याद ही रखना है रीता फारिया, हमारी पहली मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड रीता फारिया। दूसरी ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, ये नाम तो हमेशा के लिए रट ही लेना है, रट ही लेना है। चार ऑप्शन में ज़रूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मिस वर्ल्ड रही है नहीं रही है। तो प्रियंका चोपड़ा याद रखना है 2000 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में। इनकी एक पुस्तक याद रखना है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड इनकी एक पुस्तक है जो लॉन्च हुई है वर्तमान में ही, और एक दिन में सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक है वो यही है, पूछा जाता है प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड याद रखना है। तो हमने देखा मिस वर्ल्ड के बारे में, वर्तमान में कौन है, भारत की कितनी महिलाएं जो है मिस वर्ल्ड बनी है, मानुषी छिल्लर अभी लेटेस्ट मतलब लास्ट मिस वर्ल्ड रही हैं इंडियन 2017 में। इसके बाद हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, ये तो पूरा हमने देखे मिस वर्ल्ड के बारे में, अब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। इसमें हम देखें तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1952 से इसकी शुरुआत होती है, 1942 से इसकी शुरुआत होती है। इसमें याद रखना है रॉब रूशेल का नाम, रॉब रूशेल, इनके प्रयास से या संस्थापक या जनक जो भी कहें, इनके प्रयास से मिस यूनिवर्स की शुरुआत होती है 1992 से, 1952 से शुरुआत होती है। यहाँ पे फर्स्ट मिस यूनिवर्स यदि पूछा जाता है, वैसे तो पूछा नहीं जाता फिर भी याद रखना है आर्मी कुशैला का नाम याद रखना। ये विश्व की पहली मिस यूनिवर्स है, ये कहाँ से थी, फिनलैंड, फिनलैंड ये यूरोप महाद्वीप का देश है, फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, तो वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। अब हम बात करते हैं करंट की, और करंट में याद रखना है, करंट में 2019 का इम्पोर्टेंट है, 2020 इम्पोर्टेंट है, 2021 इम्पोर्टेंट है, 3 साल के हमको 3 साल के डाटा याद रखना पड़ेगा। 2019 की हम बात करें तो 2019 में ये खिताब जीता था जोजी बिनी तुंजी, 2019 में जोजी बिनी तुंजी को
जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस यूनिवर्स का ताज इनको पहनाया गया था। ये हैं दक्षिण अफ्रीका, ये हैं दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, ठीक, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे भारत की तरफ से यदि हम थोड़ा सा और देखें तो भारत की तरफ से सुमन राव, भारत की तरफ से सुमन राव ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट कभी कभी पूछ लेता है कि 2000, जैसे पूछ लिया 2019 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेट किसने किया था, तो सुमन राव। वैसे ही यदि हम देखें मिस वर्ल्ड में, मिस वर्ल्ड में 2019 में किसने पार्टिसिपेट किया था, सॉरी यहाँ पे सुमन राव मैंने मिस्टेक कर दिया है, सुमन राव याद रखना है। यहाँ पे मिस वर्ल्ड में टोनी एन सिंह, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था सुमन राव ने, जो कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं, जो कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। और मिस यूनिवर्स में, मिस यूनिवर्स में वर्तिका सिंह, मिस यूनिवर्स में याद रखना है वर्तिका सिंह, इसने पार्टिसिपेट किया था 2019 में। अब हम 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में ये खिताब एंड्रिया मेजा को, एंड्रिया याद रखना है, एंड्रिया मेजा, ये कहाँ की हैं, मैक्सिको की हैं, मैक्सिको की हैं। तो 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब, 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, एंड्रिया मेजा जो कहाँ की है, मैक्सिको की। 2021 में ये खिताब अभी किसी को नहीं मिला है, तो 2021 का मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स अभी नहीं मिला है, यदि मिलता है तो इसको ऐड कर लेना है। अभी हमने देखा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में, इसमें एक चीज़ और याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंडियन की, इंडियन की यदि हम बात करें, इंडियन की हम यदि बात करें कि कितनी इंडियन है जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, कितनी इंडियन है जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, तो याद रखना है दो, अभी तक दो ही इंडियन हैं जिनको ये खिताब मिला है, ये ताज ये पहने हैं। और यदि हम मिस वर्ल्ड की बात करें तो कभी कभी ये पूछ लेता है संख्या, मिस वर्ल्ड अभी तक कितनी इंडियंस मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, तो 6 याद रखना है, 6 के नाम यहाँ पर दिया है। और मिस यूनिवर्स अभी तक रही हैं 2, तो हम सबसे पहले जानते हैं वो 2 कौन हैं। 1994 में ये ताज पहनाया गया था सुष्मिता सेन को, जो एक्ट्रेस हैं। और 2000 में ये ताज पहनाया गया था लारा दत्ता को, तो दोनों ही एक्ट्रेस हैं। तो अभी तक 2 मिस यूनिवर्स जो हैं वो रही हैं इंडियन, 2 इंडियन मिस यूनिवर्स रही हैं, 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। मिस यूनिवर्स के बारे में हमने डिटेल में देखा, याद रखना है 2019 का, 2020 का इसमें ज़्यादातर पूछा जाएगा, और इंडियन तो पूछा जाता ही है, इंडियन में पूछा जाता है, तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं मिस इंडिया की, मिस इंडिया में क्या होता है। मिस इंडिया में भारत के अंदर इंडिया के अंदर की में के अंदर ही यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें कोई दूसरे देश से जो फीमेल है इसमें शामिल नहीं होती हैं। मिस इंडिया में भारत के अंदर ही ये होता है मिस इंडिया। और इसमें याद रखना है 2019 मिस इंडिया का खिताब किसे मिला, और 2020 मिस इंडिया का खिताब किसे मिला। मिस इंडिया बनी है 2019, याद रखना है, सुमन राव जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान। और मिस 2020 मिस इंडिया की बात करें तो उसका नाम याद रखना है मानसा वाराणसी, और ये कहाँ की है, तेलंगाना की ये है। तो हमने देखा मिस इंडिया, भारत के अंदर मिस इंडिया, इसको फेमिना मिस इंडिया भी लिखा जाता है, तो याद रखना है यदि क्वेश्चन लिखता है फेमिना मिस इंडिया कहें या फेमिना मिस इंडिया कहें, एक ही बात है, फेमिना मिस इंडिया या मिस इंडिया। 2019 और 20 याद रखना है, 2021 में ये किसी को
मिस इंडिया का खिताब किसी को नहीं मिला है, मिस इंडिया का खिताब ताज जो है किसी को नहीं पहनाया गया। तो 2021 का अभी नहीं पहनाया गया है मिस इंडिया का खिताब, तो 2021 छोड़ देना है फिलहाल, याद रखना है 19 और 20। हम फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है तीन टॉपिक के बारे में, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड की। मिस वर्ल्ड जिसमें पूरी दुनिया, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड की जो लड़कियां फीमेल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं यहाँ पे। और इसकी शुरुआत होती है 1951 से प्रयास एरिक मोरले के द्वारा। ये इनकी सहायता से ही इसकी शुरुआत 1951 से होती है। फर्स्ट पहली मिस वर्ल्ड यदि बनती हैं वो है फिकी हॉकिंसन, 1951 स्वीडन की हैं ये। इसके बाद हम यदि अभी करंट की बात करें तो 2019 टोनी एनसी जमैका, ये देश भी याद रखना है, जमैसा जमैका जिसकी राजधानी क्या है, किंगस्टन है। जमैका से ही मैंने बताया था हुसैन ओल्ट है सबसे तेज धावक। और इंडियन की बात करें तो अभी तक मिस वर्ल्ड बनने वाली इंडियन कितनी है, 6 है। मिस वर्ल्ड बनने वाली इंडियन कितनी है, 6 हैं। 6 के नाम यहाँ पे है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेगडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी चिल्लर। तो ये सभी के नाम याद रखना है। अब बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स में याद रखना है 52 से शुरुआत होती है इसकी। रॉब रूशेल इनके प्रयास से इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट आर्मी कुसेला, पहली मिस यूनिवर्स की यदि हम बात करें तो आर्मी कुसेला जो फिनलैंड की थी। और करंट की हम बात करें तो ये 2019 और 2020 में भी ये खिताब दिया गया है। 2020 में भी मिस यूनिवर्स बनी है 2020 में, जबकि हम यहाँ देखें तो 2020 में मिस वर्ल्ड नहीं बनी है कोविड-19 की वजह से। 2020 का यहाँ पे याद रखना है। 2019 जोजी बिनी तुंजी जो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, जोजी बिनी तुंजी दक्षिण अफ्रीका से हैं। और 2020 एंड्रिया मेजा जो कहाँ की है, मेक्सिको की है। 2021 में ये खिताब अभी नहीं मिला है। और भारत की तरफ से यहाँ पे वर्तिका सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। और यदि हम मिस वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे सुमन राव ने। नेक्स्ट मिस, अच्छा इंडियन में देखना है इंडियन कितनी इंडियंस हैं जो मिस यूनिवर्स रही हैं, तो 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता। और हम अब बात करते हैं लास्ट फाइनली मिस इंडिया की। भारत के अंदर ही मिस इंडिया चुनी जाती हैं। 2019 में सुमन राव राजस्थान से, 2020 में मानसा वाराणसी, ये कहाँ से हैं, तेलंगाना से। तो हमने देखा तीनों के बारे में डिटेल में। कोशिश करना है कि करंट की चीज़ें हमें याद रहे, 2019-20 जो करंट में चल रहा है वो हमें याद रहे, और कितनी इंडियंस हैं जो ये रह चुकी हैं ये याद रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर में, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। यदि वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसमें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इसमें सीखने मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो लोग भी जो है अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।